ऑलराइट गेमर्स, कुछ दिनों पहले कमेंट आया था कि अगले वीडियो में खड़े होकर बात करियो, लेकिन आज मैं थक गया हूँ। थोड़ी देर पहले वोट करके आया, फिंगर्ड द कंट्री एंड इट लेफ्ट अ स्टेन काइंड ऑफ डे, बट इफ यू वांट तो वीडियो खड़े होकर देख सकते हो। सुना तुमने एक्सबॉक्स ने क्या किया? टैंगो गेमवर्क्स एंड आर्केन ऑस्टिन बंद। प्रे जैसा मास्टरपीस बनाया, बाफ्टा अवार्ड विनिंग हाईफाई रश बनाया, बट फक इट, हू केयर्स, क्योंकि द नंबर्स हैव टू गो अप। गेम्स तो अच्छे थे, लेकिन स्टॉक वैल्यू में जो मजा है, वॉल स्ट्रीट में जो मजा है, ओह मैन क्या कूड़ा मचा दिया है। ऑफ कोर्स कंपनी पर्सपेक्टिव से आई अंडरस्टैंड, ले ऑफ्स करो, कंपनी एक्सपेंसेस कम, प्रॉफिट ज्यादा, शेयर होल्डर्स हैप्पी। मैट बूटी ने थोड़ा ईमेल में एक्सप्लेन किया, रीप्रायोरिटाइजेशन, हाई इंपैक्ट टाइटल्स, ऐसी कुछ भी बोल दिया, बेसिकली नंबर्स गो अप। सारा बॉन्ड आई एक ब्लूमबर्ग के इंटरव्यू में, उसकी बात सुनकर लगेगा उसको पता ही नहीं है कि ले ऑफ्स हुए। वो कुछ बताने लगी कि हमारा मोबाइल स्टोर आ रहा है, वेब बेस्ड है, व्हाट द फक इज दिस। सो इन जुलाई वी आर गोइंग टू बी लॉन्चिंग आवर मोबाइल स्टोर एक्सपीरियंस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन द वेब नो मैटर व्हाट। हाउ डज एक्सबॉक्स टर्न इट अराउंड? कैंडी क्रश, माइनक्राफ्ट, आई एम एक्साइटेड अबाउट इट, कैंडी क्रश एंड माइनक्राफ्ट, यू नो। बिल स्पेंसर ने तो पहले ही बोल दिया ये मेरे हाथ में नहीं है, आई कैन नॉट फाइट कैपिटलिज्म, फेयर इनफ। बेसिकली वो खुद हमें कह रहा है कि ये तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, कोई जाके xboxgraveyard.com रजिस्टर करा लो। जब एक्टिविजन को अक्वायर किया, वहाँ ले ऑफ्स हुए, फिर बेथेस्डा की बारी आई, एंड अब रूमर्स है कि एक्सबॉक्स इंटरनल स्टूडियोज जो है नेक्स्ट, वहाँ क्लोजर्स एंड ले ऑफ्स होंगे, एंड इनमें से 15-20 स्टूडियोज तो इन्होंने 3-4 साल पहले ही जोश में आके खरीदे थे। तो नाउ इस निंजा थियरी एड्रेस, डबल फाइन, इन एक्साइल, ऑब्सिडियन, अंडेड लैब्स, जो पता नहीं कब से स्टेट ऑफ डिके 3 बना रहे हैं, एंड इन स्टूडियोज को खरीदने का पॉइंट ही ये था कि एक्सबॉक्स वांटेड स्मॉलर गेम्स जो कम टाइम में बने, ताकि रेगुलरली गेम पास पे नए फर्स्ट पार्टी गेम्स हो। तो इट मेक्स नो सेंस कि हाईफाई रश वाले स्टूडियो को बंद कर दिया, वो तो परफेक्ट एग्जांपल था ऑफ अ स्मॉल गेम, कम टाइम में बना एंड फाड़ू भी था, बाफ्टा जीत लिया यार, इफ दैट इज नॉट गुड इनफ आई डोंट नो व्हाट इज। एक गलती तो फिल स्पेंसर की भी है, मैं उसको एज अ स्केपगोट नहीं प्रेजेंट करना चाहता, एक्सबॉक्स के पास प्रोडक्ट नहीं था तो फिल स्पेंसर बिकेम द प्रोडक्ट, लेकिन हर दूसरी बात पे ये बंदा पॉडकास्ट कर देता है, भावनाओं में बह के कुछ भी बोल देना। So we kind of left them to go work on the game, they're a very talented team, I love that team and I still do and I will totally bet on them to do another great game. तो आई थिंक वो प्रॉब्ली इतने पॉडकास्ट करना बंद कर देगा, इट्स हर्टिंग द ब्रांड। आई थिंक फिल स्पेंसर एंड टीम सही में चाहते हैं टू ऑफर ग्रेट वैल्यू एंड ग्रेट गेम्स, एंड वो कर भी रहे थे, लेकिन गेम पास फील्स लाइक कि उन्होंने शॉर्टकट लेने का ट्राई किया एंड इट्स नॉट वर्किंग आउट, या उसको और टाइम चाहिए टू वर्क आउट। गेम पास का एक मेन प्रॉब्लम है कि वो ग्रेट वैल्यू तो है नो डाउट, बट उसमें बिग हिटर्स नहीं है फ्रॉम एक्सबॉक्स, एंड मैं हाईफाई रश या पेंटिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्टफ लाइक स्टारफील्ड या हेलो इन्फिनिट जो बिग इवेंट्स होने चाहिए थे फॉर एक्सबॉक्स, लाइक गॉड ऑफ वॉर और लास्ट ऑफ अस फॉर सोनी, उसके जगह दोनों हेलो इन्फिनिट एंड स्टारफील्ड वर वेरी मिक्स्ड एट लॉन्च, एंड ऑफ कोर्स सबको पता है कि अभी गेम्स आने ही वाले हैं, एक्सबॉक्स कब से कह रहा है नेक्स्ट ईयर देखो तुम अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये कहानी 2016 से चल रहा है एंड मैं पर्सनली कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। एक्सबॉक्स के बिग हिट्स नहीं है तो भी गेम्स लाइक हाईफाई रश, पेंटिमेंट, दे स्पेशल, एंड इतने सारे और गेम्स का एक्सेस थ्रू गेम पास, जब तक एक्सबॉक्स कैन कीप डूइंग दैट इट्स ऑसम, लेकिन इट लुक्स लाइक मे बी एक्सबॉक्स कैन नॉट कीप जस्ट डूइंग दैट। इस पॉइंट पे तो आई डोंट नो इफ एक्सबॉक्स इवन बिलीव्स इन गेम पास एनीमोर एंड उसका फ्यूचर क्या है। And speaking of the future, अभी Hellblade 2 release हुआ and I think the audience is a bit split. And Matt Booty की अपने words में, it's not a high impact title. कुछ लोग बोल रहे हैं ये तो game ही नहीं है, interactive movie है, walking sim है, gaming is ruined and all. And चलो मान लेते हैं कि हाँ ये game नहीं है, interactive movie है, जो PC and console पे release हुआ है। कुछ लोग इसको controller या keyboard mouse से खेल रहे हैं, तो मैं माने तो खेलो इसको अपने TV के remote से, if that makes you feel better. मतलब क्या fuck all perspective है यार, सोच के देख कितने सारे genres है, strategy, city building, role playing, first person shooter, battle royale games and so many more. उनमें से एक walking simulator हो गया तो क्या प्रॉब्लम है, इट्स ओनली एडिंग टू द मीडियम, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे, ऑलरेडी विजुअल नॉवेल्स एंड पॉइंट एंड क्लिक एडवेंचर गेम्स एक्जिस्ट करते हैं। हेलब्लेड 2 का प्रॉब्लम है कि इट्स नॉट अ ग्रेट वॉकिंग सिम, एंड वो एस्पेक्ट्स डिस्कस करना इज वैलिड एंड हैज वैल्यू डेवलपर्स के लिए भी एंड दूसरे प्लेयर्स के लिए भी। उल्टा वॉकिंग सिम एज अ जॉनर डिसरिगार्ड कर देना एंड रैंडम कुछ भी बुरा बोल देना मेक्स नो सेंस एंड हैज नो वैल्यू। ऑन द अदर साइड कुछ लोग हेलब्लेड 2 का क्रिटिसिज्म सुनकर आर नॉट हैप्पी एट ऑल। क्रिकेट 365 कहता, सर इतना भी अंधभक्त मत बनिए, जहां सब प्रेज कर रहे गेम को और आप दीमक की तरह सब खराब कर रहे हो। सबसे पहले तो वंस अगेन आई एम इंप्रेस्ड कि मेरे पास इतना पावर है कि मैं सब खराब कर सकता हूँ, बट थिंक अबाउट इट, व्हाट रिमेंस ऑफ एडिथ फिंच, वैनिशिंग ऑफ इथन कार्टर, जर्नी, नाइट इन द वुड्स, गॉन होम, सोमा, स्टैनली पैराबल, द फॉरगॉटन सिटी, इतने सारे इंडी वॉकिंग सिमुलेटर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिवली ईच ऑफ देम इज बेटर देन हेलब्लेड 2। सब्जेक्टिवली तो ऑफ कोर्स सबका अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, एंड मैंने भी तो सब्जेक्टिव बेसिस पे हेलब्लेड 2 को 7/10 दिया। ऑब्जेक्टिवली तो इट्स प्रॉब्ली अ 5 or 6। कुछ चीजें तो मैंने रिव्यू में बोला ही नहीं, जैसे इसके पजल्स को तुम्हें एक्चुअली सॉल्व नहीं करना होता है, जो एनवायरमेंट में लेटर्स अलाइन करने होते हैं उसके तुम आसपास भी हो तो कैमरा खुद ही वहां मूव हो जाता है। आधे टाइम तो मुझे सोल्यूशन पता लगने से पहले खुद ही सॉल्व हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम वो हैंड होल्डिंग नहीं है, प्रॉब्लम है कि हेलब्लेड 2 के पजल्स आर टू सिंपलिस्टिक कि वो खुद ऑटोमेटिकली सॉल्व हो सकते हैं, एंड पजल तो वर्ड में जेनरसली यूज कर रहा हूँ। मिस्टर एमिनम का कमेंट इंटरेस्टिंग था, वो कहता इंडी डेवलपर्स से ट्रिपल ए लेवल का कंटेंट एक्सपेक्ट करना थोड़ा ओवर है भाई, दे डिड फाइन इनफ फॉर बीइंग एन इंडी स्टूडियो, दिस गेम इज फॉर पीपल हु वांट लीनियर फास्ट एंड स्मॉल टाइम कंज्यूमिंग, एंड आई एग्री, इसलिए तो मैंने हेलब्लेड 2 को इंडिका से कंपेयर किया विच इज एन इवन स्मॉलर इंडी स्टूडियो, एंड ये एग्जैक्ट सेम चीज तो मैंने भी बोला, इनफैक्ट दो बारी बोला, पहले डिस्क्लेमर में एंड देन मेन रिव्यू।
में कभी कभी लगता है कि रिव्यू स्कोर वाले नंबर के सामने बाकी जो बोला वो दिखना बंद हो जाता है। अंडरस्टैंडेबल है, मेरे साथ भी होता है। मेरे एसी वैलहाला वाले रिव्यू पे रिसेंटली एक कमेंट था, Assassin's Inspiration कहता, यू मार्केटेड दिस गेम बेटर देन Ubisoft itself, व्हाट अ वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। ये वाला कमेंट रिमाइंडेड मी कि इस साल नेक्स्ट मेजर एंट्री आ रहा है इन द Assassin's Creed सीरीज, Assassin's Creed Shadows, फाइनली सेट इन जापान। थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी सुना अबाउट हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसी या फोर्स डिवर्सिटी, ब्लैक कैरेक्टर एंड ऑल, बट अभी गेम तो आने दो। अगर गेम बकवास है तो नन ऑफ दैट मैटर्स, एंड अगर गेम अच्छा है वेल तब भी नन ऑफ दैट मैटर्स। लेकिन एक चीज मैं अग्री करूंगा कि अगर एक दिन ट्रिपल ए Assassin's Creed अनाउंस हुआ जो इंडिया में सेट है एंड इट टर्न्स आउट कि उसमें मेन कैरेक्टर इंडियन नहीं है, कोई जापानीज बंदा है फॉर व्हाट हिस्टोरिकली एक्यूरेट रीजन, तो आई विल बी पिस्ड ऑफ। वो कंप्लेन में डेफिनेटली समझ सकता हूँ। आई गेस द काउंटर वुड बी कि जापान में सेट इतने सारे गेम्स हैं विद जापानीज कैरेक्टर्स, सो इट्स नॉट अ बिग डील अगर Assassin's Creed Shadows में द मेन कैरेक्टर इज अ ब्लैक गाय। एंड यही तो प्रॉब्लम है, हर साइड के अपने वैलिड आर्गुमेंट्स हैं एंड ये सर्कल में चलता रहता है अंटिल इट मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलने वाला है। एनीवेज, मैं होप कर रहा हूँ कि दे टेक द राइट लेसंस फ्रॉम वैलहाला। गेम ब्लोटेड नहीं है, मैसिव है, डेंस है, मीनिंगफुल है, लेकिन उसका कॉम्बैट एंड ट्रैवर्सल काइंड ऑफ हैम्पर्स द एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग थ्रू दैट गेम। ऑनेस्टली बोलूं तो आई वांट टू सी इवन बिगर scope and ambition in Assassin's Creed Shadows, and I really hope कि वो combat को improve करे। Valhalla में एक बारी सहली आता है and it was fine, लेकिन अगर फिर से वही होगा या उसका just एक refined version होगा तो it will be a big disappointment। Valhalla का combat needs a lot of work, उसको पूरा overhaul करने की जरूरत है, especially after playing open world games like Horizon Forbidden West, Elden Ring या Dragon's Dogma 2। Anyways, Ubisoft है तो मुमकिन नहीं है शायद, तो we'll see। कुछ टाइम पहले एक लाइव स्ट्रीम पे मैंने कुछ वीडियोस देखे थे अराउंड मोबाइल गेमर्स एंड ऑल, तो विक्रम ने कमेंट किया, पबजी खेलने वालों को क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते, वो एडिक्टेड है पबजी से, उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते क्या? तो मैंने बोला एडिक्ट्स को थेरेपी की जरूरत है, क्वेश्चंस की नहीं। विक्रम तो फिर पेरेंट्स को समझाने तक आ गया। आई थॉट रियल गेमर्स इस कन्वर्सेशन से मूव ऑन होकर अब तक नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए होंगे। आई जस्ट डोंट गेट इट, कोई अगर पबजी फ्री फायर खेल रहा है एंड हैविंग अ गुड टाइम तो तुझे क्या दिक्कत है? आई मीन अगर मुझे रैप म्यूजिक पसंद है एंड आई सी समवन जिसको रैप म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है या उसने नहीं सुना है, तो मैं उसके पीछे थोड़ी पड़ जाऊंगा कि तू रैप म्यूजिक सुन। आई विल फाइंड लाइक माइंडेड पीपल एंड उनके साथ चिल करूंगा एंड आई अंडरस्टैंड रिकमेंडिंग स्टफ, लेकिन ये वैसा बिहेवियर नहीं है। आजकल बहुत चल रहा है ये डिस्कशन इसके अराउंड कंटेंट, अजीब सा बिहेवियर विलिफाइंग मोबाइल गेमर्स, ऑलमोस्ट ऑब्सेसिव। मोबाइल गेमर्स को नहीं पता रियल गेमर्स क्या खेल रहे हैं, मे बी इट्स इग्नोरेंस और दे जस्ट डोंट केयर, लेकिन रियल गेमर्स को पूरी खबर है कि मोबाइल गेमिंग में क्या चल रहा है, पबजी से लेके फ्री फायर से लेके ग्रैनी 3। ये बंदा तो पेरेंट्स तक आ गया कि पेरेंट्स नहीं समझते, उनको रियलाइज कराना पड़ेगा। व्हाट द फक मैन, तू सीरियसली कह रहा है कि दिस इज व्हाट यू थिंक अबाउट? जब तू डिनर खाने बैठा है गहराई से सोच रहा है कि वो मोबाइल गेमर अभी कितना दुखी होगा, उसके पेरेंट्स को कौन समझाएगा, चलो मानस को बोल देता हूं, इज दैट रियली व्हाट यू थिंक? या बस देखा कि बातें चल रही है, पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो कुछ भी लिख दिया। एंड हे, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड द फन शिट टॉकिंग विद फ्रेंड्स, एंड कभी कभी ऐसी बकचोदी करने में भी मजा आता है, इट डजंट ऑलवेज हैव टू मेक सेंस। पैशनेट नॉनसेंसिकल टॉक इलीगल थोड़ी है एंड इनहेरेंटली हार्मफुल भी नहीं है, इट्स फन। लेकिन पैशनेट होने के चक्कर में एकदम रिटार्डेशन की और भी मत निकल पड़ो यार। वैसे ऑन दैट नोट, स्टेलोब्लेड को लेके कंट्रोवर्सी तो पता ही होगा एंड आई लाइक बिग बट्स एंड आई कैनॉट लाइक, मैंने भी पिटीशन साइन कर दिया, मुझे भी 2 इंच और देखना है। स्टेलोब्लेड फाड़ू गेम है यार, एंड ऑनेस्टली इसके ट्रेलर्स देख के एंड इसके अराउंड ऑनलाइन डिस्कशन देख के आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये कुछ ठीक ठाक गेम होगा, गुड लुकिंग कैरेक्टर्स, गुड इनफ कॉम्बैट, अ सॉलिड 6 out of 10, बट मैन स्टेलोब्लेड तो गोज अबव एंड बियॉन्ड इन ऑलमोस्ट एवरी वे। गुड लुकिंग कैरेक्टर्स एंड कॉम्बैट की बात पहले कर लेता हूँ, गेम में गुड लुकिंग कैरेक्टर्स बहुत है, ऑल द वुमेन आर हॉट, कपड़े इतने टाइट की तुम्हारी चड्डी भी टाइट फील होगी। लेकिन मेन कैरेक्टर जो है ईव, शी इज अ बिट टू फ्लैट, कुछ ज्यादा पर्सनैलिटी नहीं है, इवन फेशियल एक्सप्रेशन मोस्टली ब्लैंक है, एंड गेम का कॉम्बैट इज ग्रेट फन, बट सेकिरो या सोल्स कॉम्बैट जितना टाइट नहीं है, इवन सुशीमा का कॉम्बैट फील्स बेटर। लेकिन स्टेलोब्लेड बहुत फ्लैशी है, काफी मूव्स एंड कॉम्बोज है एंड घुमा फिरा के अराउंड 8 डिफरेंट एबिलिटीज रेडिली अवेलेबल है टू पुल ऑफ, कॉम्बैट में बहुत डेप्थ है एंड ऊपर से ईव ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न करके जाती है, मजा तो आ ही जाता है। लेकिन अगर सिर्फ इतना ही होता तो स्टेलोब्लेड वुड हैव फेल्ट लाइक अ 6 or a 7। लेकिन इसका जो लेवल डिजाइन है, जो एनवायरमेंटल स्टोरी टेलिंग है, जो सेट पीसेस है अनचार्टेड से इंस्पायर्ड एंड उससे भी बेटर, ओपन वर्ल्ड एंड लिनियर सेक्शंस का परफेक्ट मिक्स, एंड इवन दो इसका स्टोरी बहुत डीप नहीं है, जैसे ये गेम सेट पीसेस एंड बॉस फाइट्स को यूज करता है टू एनहांस द स्टोरी टेलिंग, जो डेवलपर्स का कमिटमेंट है, इट्स इंप्रेसिव। इस लेवल का ट्रिपल एंटरटेनमेंट तो आजकल इवन कॉल ऑफ ड्यूटी भी नहीं डिलीवर कर पाता। स्टार्टिंग थोड़ा स्लो है बट इंट्रो के बाद जब तुम मेन सिटी पहुंचते हो द वाइब टोटली चेंजेस एंड स्टोरी के स्टेक्स भी रेज हो जाते हैं, एंड सेकंड मिशन से तो डेवलपर्स स्टार्ट फ्लेक्सिंग गेम डिजाइन आइडियाज एंड इंस्पिरेशंस, पूरा डेड स्पेस या रेजिडेंट इविल वाला फील। तुम्हारा स्वॉर्ड डिसेबल्ड है जो वैसे ईव का हेयरपिन है, एंड यहाँ पे यू स्टार्ट शूटिंग डिफरेंट वेपन्स, लिमिटेड एमो, सेम डिफिकल्ट एनिमीज, गेम का पेसिंग एंड टेंशन एंटायरली चेंजेस। सिमिलर एम्बिशन ये आगे के लेवल्स में भी दिखाते हैं, अनचार्टेड जैसा ट्रेन सेट पीस और बड़े स्केल पे विद बॉस फाइट्स, एंड इनके बीच बीच में तुम ओपन वर्ल्ड एक्सप्लोर कर सकते हो, डू साइड मिशंस, कुछ कुछ थोड़े बेसिक है बट इट्स स्टिल फन डाउन टाइम। कुछ साइड मिशंस में मीनिंगफुल स्टोरी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट भी है, प्लस बहुत सारे एनिमीज है टू फाइट एंड कॉम्बैट भी फेली चैलेंजिंग है एंड इट्स गुड फन। सोल्स लाइक वाला सिस्टम है तो एनिमीज डाई व्हेन यू रेस्ट एट चेक पॉइंट्स, एंड इसे यूज करके तुम जल्दी लेवल अप भी कर सकते हो, एंड द एक्सप्लोरेशन इज ऑसम, एंड इवन ओपन वर्ल्ड में भी काफी सारे डेडिकेटेड सेक्शंस है जो ट्रैवर्सल एंड प्लेटफॉर्मिंग फोकस्ड।
polished है. The game always feels fresh and exciting. Bosses का design भी impressive है. Again, वो same Dark Souls वाला epic feel नहीं आता है, but उनका attack pattern is fun to learn. Arenas impressive है. एक boss arena था जो पहुंचने के लिए I had to go up the stairs. सामने एक chasm है जिसके center पे there is a circular platform जिसपे sand ऐसे flow हो रहा है. वहाँ तक एक flimsy सा bridge जा रहा है. Just looks so epic. Dark Souls का एक जो main appeal है कि despite the difficulty, उस epic world and setting के through जाना इतना rewarding feel होता है. Shift Up ने वो feeling जो capture किया है with their own sci-fi flavor, it's truly mind blowing. Stellar Blade is a 9/10 banger, man. अब मैं कभी भी in-game monetization promote नहीं करूंगा, लेकिन ये का एक game था The Saboteur, जिसका अगर तुम physical disc खरीदो तो उसमें एक code आता था, जो game में strippers है उनके nipples को uncensor कर देता है. EA ने later on इसको as a DLC बेचा था, and that is exactly what Stellar Blade needs. मैं petition start करता हूँ. Anyways, as always, thank you for watching and also thank you for the comments. मैं हमेशा agree नहीं करता हूँ and obviously तुम भी हमेशा मेरे से agree नहीं करते हो, which is fine. मेरे opinions कोई perfect थोड़ी है. इसको एक public therapy session समझो. We're all going to go crazy together. Anyways, Twitter पे active हूँ, follow कर लो. Video पसंद आया तो like कर दो. ये उस type का video नहीं है which might get recommended to new people. लेकिन अगर तुम channel पे पहली बार ही हो तो check out some of the other videos and अगर वो पसंद आए तो subscribe कर लो. And I'll see you whenever I see you next. Bye dudes.